फ्रेंड्स, मुकुस किचन में आपका स्वागत है। आपने हलवे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ताजे भुट्टों का हलवा खाया है? आज हम ताजे भुट्टों का हलवा बनाएंगे। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है और आप इसे बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। आइए हम ताजे भुट्टों के दानों से स्वादिष्ट हलवा तैयार करते हैं। इन्हें बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये भुट्टे लिए हैं, इनका हम छिलका उतार लेंगे। मैंने यहाँ पे हलवा बनाने के लिए 2 भुट्टों का यूज किया है। अब भुट्टे हमारे छिल गए हैं, इनके हम सारे दाने निकाल लेंगे। भुट्टे के सारे दाने भी निकल गए हैं, इनको अब 1-2 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। भुट्टे भी हमारे अच्छे से धुल गए हैं। अब एक मिक्सिंग जार लेंगे और भुट्टे के दानों को हम मिक्सिंग जार में डाल लेंगे। और साथ ही इसमें हम 1/2 कप पानी डाल लेंगे और इनका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। और अब देखिए, भुट्टे के दाने मेरे अच्छे से पिस गए हैं और इसका अच्छा सा मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। इसका पेस्ट थोड़ा सा दरदरा सा ही रहता है, लेकिन ये पकने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट बन जाते हैं। बस अब एक कढ़ाई गरम कर लेंगे और इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब घी डाल लेंगे। और घी अब हमारा गरम हो गया है, इसमें जो हमने भुट्टे पीस के रखे थे उसे भी डाल लेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और भुट्टे को घी के साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे। और जब इस पेस्ट का पानी सारा सूख जाएगा तो हम गैस की फ्लेम लो पे कर देंगे और लो फ्लेम पे ही हम इसे लगातार करछी चलाते हुए भूनते रहेंगे। जैसे जैसे ये भुट्टे का पेस्ट भुनता रहेगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट होता रहेगा और इसे हम लो फ्लेम पे ही हल्का ब्राउन होने तक भुनेंगे। भुट्टे के पेस्ट को हमने लो फ्लेम पे ही बहुत अच्छे से भूनना है। अगर ये अच्छे से नहीं भून पाएगा तो इसमें भुट्टे की कच्चेपन की स्मेल रहेगी और हमारा हलवा अच्छा नहीं बन पाएगा। अगर इस पेस्ट को भूनते हुए आपको घी थोड़ा कम लगता है तो आप इसमें घी और मिला सकते हैं। आप इस तरह से ताजे भुट्टे के दानों का हलवा बना के जरूर देखिए और यकीन मानिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। और अगर आप मेरे चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अब इस पेस्ट को भूनते हुए लगभग मुझे 15 मिनट के करीब हुआ है और पेस्ट हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है। इसे बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब ये बनके तैयार होता है तो ये बहुत टेस्टी होता है। और ये देखिए, इसका कलर भी चेंज होने लग गया है, इसमें थोड़ा हल्का हल्का ब्राउन कलर भी आने लग गया है और ये काफ़ी ड्राई भी हो गया है। इसमें अब हम 1 कप दूध डाल लेंगे। और साथ ही 1 कप पानी भी मिला लेंगे। आप चाहें तो इसमें दूध स्किप कर सकते हैं और खाली इसे पानी में भी पका सकते हैं। जैसे हम सूजी का हलवा पकाते हैं, वैसे ही हमें इसे भी पकाना है।
यहाँ पे मैंने थोड़े से नारियल और बादाम को बारीक काट के रखा है, उसको भी इसमें मिला लेंगे और इन सब को अब हम अच्छे से मिला लेंगे। गैस की फ्लेम हमने लो पे ही रखनी है, इसे हमने लो फ्लेम पे ही पकाना है और इसमें अब 3/4 कप हम चीनी भी मिला लेंगे। चीनी आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। हलवे को अब हम ढक के लगभग 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और पकाएंगे, लेकिन हम इसमें बीच बीच में कड़छी चलाते रहेंगे जिससे कि ये नीचे ना लगे। जैसे जैसे हमारा हलवा पकता रहेगा ये गाढ़ा होता रहेगा। जैसे सूजी का हलवा गाढ़ा होता है उसी तरह से ये भी गाढ़ा हो जाता है। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून हम इलायची पाउडर भी मिला लेंगे और इलायची पाउडर डाल के भी इसे अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए हलवा काफी गाढ़ा होने लग गया है। लेकिन इसे हम ढक के लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए और पकाएंगे और अब 5 मिनट के करीब हुआ है और ये देखिए हलवा हमारा कितना गाढ़ा हो गया है और ये बहुत सॉफ्ट भी हो गया है। इसमें अब 2 टेबलस्पून घी और मिला लेंगे और घी डाल के भी इसे अच्छे से मिला लेंगे। हलवे में ऊपर से घी मिलाने से हलवे का टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। और ये देखिए अब हमारा बढ़िया सा और टेस्टी हलवा बनके तैयार है। इसमें मैं ऊपर से थोड़ा सा बादाम और बारीक कटा हुआ नारियल डाल लूंगी। अब हम हलवा सर्व कर लेंगे। और इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटे हुए बादाम और नारियल डाल लेंगे। और देखा आपने कितना बढ़िया और टेस्टी हमारा हलवा बनके तैयार हुआ है। आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, आपको भी ये बहुत पसंद आएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर लिखिए आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।